तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए। ताइवान के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 930 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। शक्तिशाली भूकंप ने एक बार फिर बता दिया है कि ताइवान बारूद के किस ढेर पर बैठा है। सवाल है कि ताइवान और जापान जैसे देशों में इतने भूकंप क्यों आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताइवान की। ताइवान एक ऐसा देश है जहां बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसकी वजह इस देश की भौगोलिक स्थिति और बनावट है। ताइवान दो टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन के पास है और इसी वजह से ताइवान के लोग बार बार भूकंप का सामना करते हैं। ताइवान में बार बार भूकंप आने की सबसे बड़ी वजह उसका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास होना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रिंग ऑफ फायर क्या है। रिंग ऑफ फायर को प्रशांत रिम या पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। दुनिया भर के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर इलाके में ही है। टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के खिलाफ धक्का देती हैं, जिससे अचानक ऊर्जा निकलती है और भूकंप आते हैं। यानी रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। इनके असर से ही सुनामी आती है और वोल्केनो भी फटते हैं। रिंग ऑफ फायर के किनारे बसे देशों में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप का खतरा होता है। आपको बता दें कि ताइवान, जापान, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली, बोलीविया रिंग ऑफ फायर की जद में है। यही वजह है कि यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1990 से 1991 तक ताइवान में हर साल करीब 2200 भूकंप आए और इनमें से 214 खतरनाक थे। साल 1991 में सिस्मिक नेटवर्क को बेहतर किया गया तो भूकंप का पता लगा पाना और आसान हो गया। साल 1991 से 2004 तक भूकंप के 18,649 झटके आए। ताइवान में 21 सितंबर 1999 को सबसे भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। इस भीषण भूकंप से 2400 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 1,00,000 लोग जख्मी हो गए थे। हजारों इमारतें नष्ट हो गई थी। साल 2016 में भी बड़ा भूकंप आया था। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल ताइवान जहां बसा है वहां फिलीपींस समुद्री प्लेट विशाल यूरेशियन प्लेट से मिलती है। ताइवान द्वीप अपने मध्य और पूर्वी तट पर फैले पहाड़ों को समेटे हुए है, जो अक्सर झटके का अनुभव कराता है। भूकंप के लिहाज से जापान भी बेहद सेंसिटिव है। जापान में भी भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन के पास है। ओकिनावा प्रशांत जहां भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं वो महासागर के चारों ओर भूकंपीय फ्लॉट लाइन के रिंग ऑफ फायर के करीब है। जापान में भी हर साल तकरीबन 1,000 भूकंप आते हैं। इनमें से सिर्फ एक या दो ऐसे होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। नेशनल भूकंप सेंटर के आंकड़ों की माने तो हर साल दुनिया में तकरीबन 20,000 भूकंप आते हैं। इनमें से 100 ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें से एक या दो तबाही लाने वाले हो सकते हैं। रिंग ऑफ फायर की वजह से ही जापान और ताइवान महीने में 10 बार भूकंप के झटके झेलते हैं। लिहाजा इन देशों ने खुद को भूकंप के हिसाब से ढाल लिया है। भूकंप के खिलाफ इन देशों की तैयारी बड़ी पुख्ता है। यहाँ की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी हर पल भूकंप मॉनिटर करती रहती है, लेकिन जब बड़े भूकंप आते हैं तो ये देश भी बेबस नजर आते हैं। खैर, वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। मेरे यानी अदिति शाह।